नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं तेरह अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज बुधवार है चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है मघा नक्षत्र प्रातः नौ बज करके सैंतीस मिनट तक और इसके पश्चात फाल्गुनी नक्षत्र है गंड योग बव करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहु काल का समय दोपहर बारह बजे से दोपहर एक बजकर के तीस मिनट तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रिय दर्शकों आज सबसे पहले तो चर्चा होगी 18 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र पर भी हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं गृह स्थितियों की राहु और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा का संचरण सिंह राशि में है केतु वृश्चिक राशि में है शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में और गोचर में आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के रूप में हो रहा है देव गुरु बृहस्पति आज मीन राशि में है सूर्य के साथ युति बनाकर तो यह है ग्रह स्थिति आज चंद्रमा प्रातःकाल साढ़े नौ बजे तक केतु के और इसके पश्चात फिर शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे तो बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का पूरे दिन संचरण सौम्य ग्रह का वार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण पूरे दिन है कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज, आज आपको बचना है और शुक्र बुद्ध का ये संबंध निसंदेह मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए विद्यार्थियों के लिए आज विशेष होने वाला है तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करेगी इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे यह गृहस्थिति इन्हीं गृहस्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज ठीक रात्रि आठ बज करके दस मिनट पर मैं लाइव रहूंगा इसी चैनल पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का मुझसे अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में अवश्य ही सम्मिलित होइए मुहूर्त मुहूर्त को लेकर के बीते कुछ दिनों में कई बार आप सभी दर्शकों का कमेंट आता रहा देखिए मैं मुहूर्त की जो चर्चा कर रहा हूं वो असल में मेरी नजर में अगर मेरी नजर से देखें आप तो मैं बेहद महत्वपूर्ण राशि फल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस मुहूर्त की चर्चा एक भी कोई कार्य इसमें से किसी मुहूर्त के हिसाब से आपका हो तो चूंकि मुहूर्त में जब भी कोई कार्य प्रारंभ होता है तो उस कार्य के शुद्ध होने की संभावना शत प्रतिशत होती है शत प्रतिशत अब पांच दिन का जो अंतराल रखा गया है वो इसी उद्देश्य से रखा गया है कि कोई भी ऐसा कार्य है मान लिया जाए जिसके किसी के लिए गृहारंभ का मुहूर्त दे दिया तो कल से गृहारम्भ वो नहीं कर सकता हो सकता है उसको तैयारी करने में टाइम लगे तो पांच दिन का अंतराल काफ़ी बढ़िया है अब ये ठीक है कि पाँच दिन बाद का ये मुहूर्त है तो हो सकता है जब आपके ज़रूरत की हो तो आपको न मिले लेकिन मेरा ये मानना नहीं है हमें हमारे जरूरत की चीजें पहले से ही हम सुरक्षित रख लेते हैं तो मैं मान के चलता हूं कि मैं मुहूर्त ये जो बता रहा हूं मैंने अभी भी जो बात कही आप ध्यान से शायद सुने हो मैंने कहा राशि फल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़र में ये मुहूर्त कल किसी ने कहा लिखा था कि आप ग्राम्य जीवन से जुड़ा मुहूर्त नहीं बताते अगर कोई ऐसा मुहूर्त मिलेगा तो अवश्य बताऊंगा आपको कहने की आवश्यकता नहीं पंचांग में जो भी मुहूर्त हो आपको मैं आप एक और बात बता देता हूं कि कम से कम छह से सात पंचांग देखने के पश्चात और सभी पंचांगों में मिलाने के पश्चात ही इन मुहूर्तों को तैयार किया जा रहा है और चाहे वो ग्राम्य जीवन वाला हो चाहे कहीं के लिए भी हो जो मुहूर्त मिलेगा वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा तो चलिए मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं ये 18 अप्रैल दिन सोमवार के मुहूर्त की चर्चा है सबसे पहले तो प्रसूति का स्नान का मुहूर्त है अभी प्रसूति का स्नान को ही लीजिए आजकल लोग कहाँ ध्यान देते हैं प्रसूति का स्नान पर जब भी मन किया हॉस्पिटल में है बच्चा होने के बाद डॉक्टर ने कह दिया स्नान करना है नहाना है जबकि उसका मुहूर्त और वो मायने रखता है वो बहुत मायने रखता है वो जच्चा बच्चा दोनों के लिए लेकिन अब कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जैसा कहें उन बातों को मानना पड़ता है तो ठीक है लेकिन फिर भी अगर प्रसूति का वाली स्थिति है आपकी तो स्नान का मुहूर्त है आज सुबह नौ बज करके के एक मिनट से ग्यारह बजकर के चौदह मिनट तक नामकरण अन्नप्राशन, प्राशन कन्या करन का नासिका छेदन अगर कराना है मुंडन का भी मुहूर्त मिल रहा है और साथ ही साथ आपका बालक अगर किसी भी वाद्य कला यंत्र को सीखना चाहता है आरंभ करना चाहता है नृत्य या गीत से संबंधित फील्ड में वो अपना नया जीवन प्रारंभ करना चाहता है सीखना प्रारंभ करना चाहता है तो मुहूर्त सुबह ही है थोड़ी देर के लिए लेकिन यह काम का मुहूर्त है सुबह पांच बज करके दस मिनट से सात बज करके सात मिनट तक है तो देख लीजिएगा जिसकी जो जरूरत होगी वो प्रातः काल पूरा तो कर ही सकता है आज गर्भाधान का भी मुहूर्त है कन्या संतति जिनको चाहिए जिनके मन में कामना कन्या संतति की है उनके लिए मुहूर्त है रात्रि आठ बज करके सत्रह मिनट से रात्रि दस बज करके पैंतीस मिनट तक वर वर्ण कन्या वर्ण बधु प्रवेश और द्विरागमन इत्यादि का मुहूर्त जो है ये भी मिल रहा है सायं छः बजे से रात्रि आठ बजकर के सत्रह मिनट तक किसी भी तरह का कोई क्रय करना है कोई चीज़ खरीदनी है या बेचनी है कोई भी चीज़ उसके लिए दिन में ग्यारह बजकर के दस मिनट से बारह बजकर के बीस मिनट के बीच मुहूर्त है गुरु से दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो दीक्षा ग्रहण का भी मुहूर्त होता है और नया आभूषण धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त मिल रहा है सुबह नौ बजकर के बीस मिनट से ग्यारह बजकर के बत्तीस मिनट तक दीक्षा ग्रहण भी और आभूषण धारण भी आवेदन पत्र लिखना है तो उसके लिए मुहूर्त दस बज करके चालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर के बावन मिनट तक अब इसी आवेदन पत्र को ले लीजिए कई बार आजकल ठीक है मेल का जमाना है हो सकता है फोन पर बात कर ले, लेकिन आवेदन पत्र लिखने का यहां यह मतलब भी है कि अगर आप कोई मेल लिख रहे हैं तो इस समय में लिखिए मान लिया जाए आपको अपना नौकरी के लिए कहीं अपने कागजात डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं तो आप इस समय में कर सकते हैं हाँ आवेदन एक अलग चीज हो गया लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से वो भी आवेदन ही है सामने वाले को अपनी बात रखना आवेदन करना तो आवेदन और अगर ऐसे कागज कागज के ऊपर आवेदन लिखना है तो ये मुहूर्त बड़ा काम का है वाहन क्रय करना चाहते हैं अथवा औषधि सेवन प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए आज मुहूर्त है दस बजकर के बावन मिनट से दोपहर बारह बजकर के नौ मिनट तक प्रिय दर्शकों वैसे तो हर दिन इतने मुहूर्त नहीं होते हैं किसी किसी दिन जैसे कल भी मुहूर्त था आज और जो कल के लिए बताया था सत्रह तारीख का मुहूर्त अट्ठारह को भी मुहूर्त है तो ये जो मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ अब आपके काम का जरूरी नहीं कि सारे मुहूर्त अब हर किसी के घर में बच्चा तो है नहीं जिसका कर्णवेद हो रहा हो या मुंडन हो रहा हो बधू तो आ नहीं रही है और जा नहीं रही है हर किसी के घर में न हर मुहूर्त की आवश्यकता है और न आपको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन अगर आपके काम का कोई मुहूर्त है तो या तो टाइम नोट कर लीजिए या आपके पास सबसे सरल तरीका है इस वीडियो को आप सेव करके अपने पास रख लीजिए जिस दिन मुहूर्त आएगा उस दिन समय देख लीजिएगा वैसे ज़्यादा बेहतर क्या है ज़्यादा बेहतर है कहीं कागज़ पर आप अपना मुहूर्त नोट कर लीजिए हाँ ये याद रखिएगा ये मुहूर्त आपके काम का है और कई सारे पंचांगों को देखने के बाद आपके लिए निकाला गया है तो आप इस मुहूर्त का अवश्य लाभ उठाइए याद रखिए आपने राशिफल से लाभ उठाया या नहीं अगर इस मुहूर्त से लाभ उठा लिया तो आपने असल में ज्योतिष का लाभ उठाया ज्योतिषी ज्योतिष का असल महत, महत्व जो है वो मुहूर्त में ही है राशिफल इत्यादि तो बहुत बात की चीजें हैं। सब कुछ पहले से अगर कुछ है तो मुहूर्त है मुहूर्त का लाभ उठाइए मुहूर्त का बल कुछ इस तरह से होता है कि एक आदमी एक तरफ और एक हजार आदमी एक तरफ सब पर विजय हासिल की जा सकती है अगर सही मुहूर्त में चला जाए तो जहां चाहे वहां झंडा गाड़े ये है मुहूर्त मुहूर्त का लाभ उठाइए घाघ भंडरी सबने कितनी गजब प्रशंसा की है मुहूर्त की कि तांबा ला दे सोना होए अगर अगर सही मुहूर्त में अगर घर से निकला जाए तो तांबा लाद के चलो और सोने के भाव बेच के आओ ये होता था इसी मुहूर्त का असल मतलब ज्योतिष है तो आप इस मुहूर्त का जरूर लाभ उठाइए चलते हैं ज्योतिषीय सूत्र की ओर आज का ज्योतिषीय सूत्र वैसे तो हर किसी के लिए लेकिन अगर आपके घर में कोई बच्चा है और उसकी कुंडली में सूत्र घटित हो रहा है तो आपके लिए विशेष रूप से बच्चा है तो इस सूत्र को आप समझिए ये मेष लग्न की सात लग्नों मतलब में ग्रह उच्च के होते हैं बाकी के सब में ग्रह उच्च के बाकी के जो ग्रह राशियां बची हैं उसमें ग्रह उच्च के नहीं होते उच्च नीच कोई नहीं होता नीच वृश्चिक में होते हैं लेकिन उच्च का कोई ग्रह नहीं होता मेष में सूर्य उच्च के होते हैं वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं कर्क में देवगुरु उच्च के होते हैं कन्या में बुध उच्च के होते हैं तुला में शनिदेव उच्च के होते हैं मकर में मंगल उच्च के होते हैं और मीन में शुक्र उच्च के होते हैं इन्हीं में से कोई लग्न हो आपके बच्चे का या आपका ये सबके लिए भी है बच्चे के लिए विशेष रूप से और अब मान लिया जाए कि मेष लग्न की मेष लग्न की कुंडली है तो नौमांस में आपके बच्चे की कुंडली में सूर्य या तो स्वराशि के हों सिंह राशि में अर्थात मेष राशि में अर्थात अथवा अपने मित्र राशि में जैसे राशि में हो या बली अवस्था में मजबूत अवस्था में हो मान लिया जाए वैसे ही वृषभ लग्न की कुंडली आपके बच्चे की है या आपकी है और चंद्रमा 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 वृषभ में उच्च के होते हैं तो चंद्रमा नौमांस में या तो स्वगृही हों अर्थात कर्क में हों या वृषभ में ही हों या मित्र राशि में हो बलिं बलि कैसे हो तो मित्र राशि में है तो बलि है ऐसे ही बाकी के ग्रहों के लिए भी समझ लीजिए कर्क है तो गुरु की बात कर रहा हूं कन्या की है कन्या लग्न की कुंडली है तो बुध की बात कर रहा हूं तुला लग्न की कुंडली है तो शनिदेव की बात कर रहा हूं मकर लग्न की कुंडली है तो मंगल की बात कर रहा हूं और मीन लग्न की कुंडली है तो मैं शुक्र की बात कर रहा हूं ये सभी ग्रह नौमांस में यानी इसमें से किसी एक की चर्चा नौमांस की चल रही है नौमांस में वो ग्रह यदि बलवान हो और बलवान होने के साथ साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो ये दावा है कि ऐसा जातक निशंदेह सामान्य परिवेश सामान्य परिस्थिति में जन्म लेकर के भी विशेष सफलता हासिल करता है समाज में पद मान सम्मान उसका बना ही रहता है आजीवन अब मैंने जितने ग्रहों की चर्चा की सात लग्न और सात ग्रहों की जो चर्चा की इनमें से कोई भी लग्न हो और कोई भी ग्रह नौमांस में स्वराशि का उच्च राशि का मित्र राशि का केंद्र त्रिकोण में हो और किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट हो तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है तो उसे शत प्रतिशत आप प्रशासनिक सेवा की ओर भेजिए आपका बच्चा प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए जन्मा है अगर उसकी जन्म कुंडली में और भी कुछ अच्छी स्थिति है तो शत प्रतिशत उसे प्रशासनिक सेवा में सफलता मिलेगी और अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अब आप प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकते और ऐसा योग बन रहा है तो आपको सरकार से जुड़ना चाहिए आपका आपको कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आप सरकार से जुड़ सके आप से राजनीति से जुड़िए राजनीतिज्ञों से जुड़िए शासन प्रशासन से जुड़िए आप वहां से अवश्य लाभ उठाएंगे और आपको निसंदेह उसका लाभ तो मिलेगा ही समाज में आपका पद और कद सरकार से जुड़ने से ही बढ़ेगा तो अगर आपकी कुंडली में है तो यह करिए और आपके बच्चे की कुंडली में है तो उसे प्रशासनिक सेवा की ओर भेजिए चलते हैं हम राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है देखिए गोचर कुंडली में परिवर्तन जो हुए हैं गुरु के रूप में और राहु इत्यादि के रूप में तो इन सबों की चर्चा बाद में होगी गुरु की जो गुरु का जो परिवर्तन हुआ है वो राशि से बारहवें हुआ है बारहवें का परिवर्तन कारक है मैंने पिछले दिनों चर्चा की थी और बताया था कि ये व्यय की स्थिति उत्पन्न कराएगा लेकिन ये जरूर है कि आपके सद कार्यों पर ही व्यय होगा हाँ व्यय की स्थिति तो रहेगी गोचर कुंडली में और एक परिवर्तन चंद्रमा का जो है वो आज केतु और उसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे तो सबसे पहले बात अगर हम नौकरी पेशा लोगों की करें तो आपके जीवन काल में कुछ तो बहुत अच्छी स्थिति है जैसे वेतन वृद्धि इत्यादि की स्थिति होने वाली जिससे आपका धन लाभ हो नौकरी में अगर कोई बड़ा बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो गुरु के इस परिवर्तन से आप विचार कर सकते हैं तो वहीं बड़े भाई के रिश्ते की बात जहां चल रही थी वहां थोड़ी अड़चन आ जाएगी कोई जरूरी कागजात इत्यादि तैयार करा रहे हैं तो आज बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है और रीचेक अवश्य कराइए इंटरव्यू कहीं देने के लिए जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं व्यापारियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है लेकिन कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके और विचार करके ही करिए कमीशन से जुड़े कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बड़ा लाभप्रद है गुरु का यह परिवर्तन आपके लिए लाभ तो स्थिति लाएगा और शुक्र की नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा भी आपको जबरदस्त लाभ दिलाने वाले हैं कोई बड़ी डील होने वाली है प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक है हालांकि देखा जाए तो प्रेम संबंध में सामान्य में होने वाली हालांकि रिश्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी दांपत्य जीवन आपका सुखद है और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है बहुत जबरदस्त सफलता वो सभी विद्यार्थी जो विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया वाहन इत्यादि चलाते समय आपको सावधान रहना है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द और पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है निवेश करिए कर सकते हैं और जानकार किराय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सतर्क होकर के वृषभ की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना साढ़े नौ बजे के बाद ये शुक्र के नक्षत्र में होंगे और जो परिवर्तन हो रहा है गुरु का जो कि आपकी राशि से आज लाभ में आ जाएंगे ये बढ़िया है आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है और एक तरह से देखा जाए तो आपके जितने भी जरूरी काम है वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं सबका साथ मिलेगा सबका सहयोग मिलेगा भूमि भवन वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी विशेषकर वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे थे तो आपका यह सपना पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है यात्रा के लिए जा सकते हैं अगर कहीं लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बढ़िया है करियर को लेकर के जो चिंता इत्यादि थी वो चिंता दूर होगी और व्यापारी वर्ग की भी बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है धन से जुड़ा कोई ऐसा मामला जो बहुत दिनों से लटका पड़ा था जिसमें कोई भी बातचीत नहीं बढ़ पा रही थी वो काम अब बनेगा आपका फिर भी आज वृषभ राशि के जातकों को धोखा हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते थे उससे धोखा मिलेगा तो जरा जरा निर्णय हर मामले में सावधान सतर्क होकर के लीजिएगा डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना दाम्पत्य जीवन सामान्य है और यहां पर एक बार जरूर कहना चाहूंगा जीवन साथी के ऊपर अपना गुस्सा किसी और का गुस्सा जीवन साथी पर मत निकालिएगा कभी नहीं करना चाहिए आज बिल्कुल मत करिएगा प्रेमियों के साथ आज का दिन ठीक कुछ नहीं दिखा रहा है अनबन की सामान्य स्थिति उत्पन्न होगी और आपको अपना व्यवहार जरा शांत और शांत तो रखना होगा नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है पेट में जलन की स्थिति है खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा और आज किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद करिए या जरूरतमंद को भोजन कराइए लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है निवेश भी कर सकते हैं चर्चा वहीं अगर हम मिथुन की करें बहुत बढ़िया स्थिति है आपके लिए गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो हर प्रकार से दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे में होना शुक्र के नक्षत्र में साढ़े नौ बजे के बाद ये चंद्रमा रहेंगे जो कि बहुत बढ़िया होगा आपके लिए शुभ होगा छोटे मोटे कार्य तो बेहद आसानी से हो जाएंगे कोई बड़ा कार्य भी है वो भी बनता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि गोचर कुंडली में जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है वो राशि से आपके दसम में वो बहुत बढ़िया है हंस महापुरुष योग का आपको लाभ मिलने लगेगा तो कुल मिलाकर के दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो कोई बड़ी और नई जिम्मेदारी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है निवेश नया भी कर सकते हैं और पुराने निवेश से भी आपको फायदा मिलने वाला है खर्च पर नियंत्रण रखिएगा व्यर्थ के खर्च से बचिएगा हालांकि कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं उसका आपको फायदा मिलेगा किसी को धन उधार देने की सोच रहे हैं तो आप दे सकते हैं धन उधार देने के लिए भी दिन ठीक है लेने के लिए बहुत बढ़िया है प्रेम संबंध में अगर कोई मसला था मतभेद उत्पन्न हो गया था तो उसे सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है आपको पहल कर लेनी चाहिए और विद्यार्थियों की बात करूँ तो पढ़ाई में कहीं ना कहीं संशय कन्फ्यूजन की स्थिति है पर फिर भी अगर एक ही विषय पर विद्यार्थी ध्यान दें यानी आज अपने पाठ्यक्रमों में से कोई एक विषय चुनिए और उसी की पढ़ाई करिए तो दिन अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे ठीक है फिर भी दिन थोड़ा थका देगा आज काम बहुत अधिक रहने वाला है जिसके चलते आप थक जाएंगे लकी अंक नौ लकी कलर सफेद आज भगवान विष्णु की आराधना करिए और भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करिए निवेश अवश्य करिए और बात यदि कर्क राशि की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में होना शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है आपकी राशि से नवम में बेहद श्रेष्ठ बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया है दिन बहुत ही बढ़िया स्थिति गुरु की ये परिवर्तन आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होने वाला है चहु ओर से धन लाभ के योग बन रहे हैं कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता दिखाई पड़ रहा है जैसा आप सोच रहे थे वैसा होगा वाणी से आप अपने सभी रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं आज का दिन कुछ ऐसा है कि मिलिए बातचीत करिए और अपने काम बनाइए व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है कहीं पैसा फंसा हुआ था निकल नहीं रहा था धन आगमन की स्थिति साफ दिखाई पड़ रही है धन आगमन धन संचयन दोनों की स्थिति बहुत बढ़िया है नौकरी परिवार व्यापार हर मामले में आज का दिन बहुत बढ़िया है कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था गुरु के इस परिवर्तन के साथ ही आप करने का प्रयत्न शुरू कर दीजिए आपको सफलता मिलेगी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है प्रेमी के साथ जितना हो सके समय व्यतीत कर सकते हैं और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन बहुत बढ़िया है कोशिश बस आपको करनी होगी सफलता पहले से ही तय है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आपको राहत मिलेगी लकी अंक पाँच लकी कलर आपके लिए आज हरा है कौवे को प्रातः काल आज रोटी दे दीजिएगा और सिंह को देखा जाए तो गोचर कुंडली की जो स्थिति है चंद्रमा का आपकी राशि पर होना शुक्र के नक्षत्र में और गोचर कुंडली में गुरु का परिवर्तन अष्टम में थोड़ा ठीक नहीं है ये स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करे कराएगा स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है सिंह राशि के जातकों को चंद्रमा का आपकी राशि पर होना भी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखा रहा है कफ जन रोगों की स्थिति साफ छोटी मोटी बाधाएं हाँ उत्पन्न होंगी हालांकि स्त्री वर्ग से आज, आज आपको विशेष रूप से आप सबके लिए स्त्री हैं तो स्त्री से पुरुष हैं तो स्त्री से विशेष रूप से आज, आज, आज आपको सहयोग मिलने वाला है लेकिन हर क्षेत्र में सफलता के लिए कठिन प्रयत्न करना होगा फायदा होगा फायदे में कहीं कोई दिक्कत नहीं परंतु संघर्ष के बाद ही कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको निरंतर प्रयत्न करते रहने के बाद ही वो सफलता मिलेगी जो कि आपको बेहद आसानी से मिलनी चाहिए थी व्यापारियों को सामान्य धन लाभ दिखाई पड़ रहा है एक्स्ट्रा आमदनी जुटाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी और तब भी अगर अनुपात में देखा जाए तो रिजल्ट कम है दूसरों के कार्यों में दखल देने से आपको बचना होगा प्रेम संबंध के लिए भी आज का दिन कुछ उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है किसी की बात में आ गए तो दाम्पत्य प्रेम संबंध में परेशानी आएगी हाँ दाम्पत्य जीवन सुखद है बल्कि जीवन शांति के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो गई थी तो उसे दूर करिए और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो संशय हो आज बातचीत अवश्य करिएगा बातचीत से आपकी बहुत हद तक समस्या दूर हो सकती है परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है इसका ख्याल रखिए और आपको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा नींद से संबंधित कमी आ सकती है केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए इससे लाभ होगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए है पीला निवेश बचिए कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली का परिवर्तन चंद्रमा का राशि से आपके बारहवें भाव में होना बहुत बढ़िया है गुरु का भी परिवर्तन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया हर मामले में शांत मन से विचार करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए दिन बेहद आनंद के साथ बीतने वाला है यूं समझ लीजिए कि कोशिश बस आपको करनी है और सफलता आपकी तय है सफलता मिलेगी ही मिलेगी कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है किसी को भी आप अपनी राय से आसानी से सहमत कर लेंगे नौकरी व्यापार परिवार हर मामले में दिन बहुत बढ़िया यात्रा आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है पूर्व से चली आ रही कोई अड़चन कोई परेशानी कोई विवाद वहां भी अपने आप परिस्थिति चली जाएगी। गोचर में गुरु का है जो परिवर्तन हो रहा है। यहां हंस महापुरुषों का विद्यार्थियों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए, जाएगा। की, की तो के लिए दिन बहुत बढ़िया है दिन बस आलस्य से बचना होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखे तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है मधुमेह के रोगी जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है गाय को रोटी अवश्य दीजिए निवेश भी जानकार किराए से कर सकते हैं और वही बात अगर हम तुला की करें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला है गुरु का परिवर्तन तो आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन लाभ का चंद्रमा जो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे साढ़े नौ बजे के बाद आपके प्रयासों से आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे हालांकि कहीं ना कहीं पैसा फंसता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है तो वहीं स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी जैसे पेट से संबंधित परेशानी कफ जन रोग हालांकि आज आपका पूर्वानुमान बिल्कुल सही होता दिखाई पड़ रहा है पूर्वानुमान के मामले में दिन ठीक है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है समय आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सामान्यतः सामान्य बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं मिला जुला ही मैं कहूँगा लाभ मिलेगा बिना सोचे समझे बोलने से बचिए जीवन साथी का अपमान बिल्कुल मत करिए प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक ही है या यूं कहें कि ठीक है विद्यार्थियों के लिए जितना हो सके मेहनत करिएगा दिन बहुत बढ़िया है कन्फ्यूजन की स्थिति जहां भी हो वहां आत्मविश्वास के साथ जो फैसला लेंगे वही सही होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत सतर्क और सावधान रही पुराना रोग भी परेशान करेगा आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर पत्र अर्पित करिए लकी अंक एक लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं जानकार की राय से करेंगे ज्यादा लाभ होगा वृश्चि के लिए अत्यंत शुभ है दिन हर मामले में चाहे वो पारिवारिक हो सामाजिक हो पर्सनल हुए प्रोफेशनल हर मामले में दिन बढ़िया है योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ते चले जाइए किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने वाली है पुराने दोस्त से मदद मिलने वाली है पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा पिता के साथ संबंधों में अगर परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो ठीक होता दिखाई पड़ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज शुक्र के नक्षत्र में साढ़े बजे के बाद होना और गुरु का परिवर्तन आपकी राशि से पंचम में हर तरह से हर बिगड़े काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत शुभ है यानी समझ लीजिए कि शुभता की अधिकता रहेगी कोई शुभ समाचार मिलने वाला है करियर को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी व्यापारी के लिए धन लाभ की स्थिति बनी हुई है और यात्रा कर सकते हैं नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं अचल संपत्ति खरीदने के मामले में जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए नहीं नुकसान होगा और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों को कोई नया कोर्स शुरू करना है अवश्य करिए परंतु ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य करिएगा बहुत अच्छा है सब कुछ बस केवल हनुमान जी का दर्शन करिए लकी लकी कलर आपके पिंक है निवेश करें तो वही बात अगर धनु की करें तो बहुत बढ़िया है कोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आना और गुरु का आपकी राशि से चतुर्थ में हंस महापुरुष योग बनाना जैसे भाग्य आपके ही साथ चल रहा है दिन शुभ है जिससे भी मिले आप जिससे भी मिल करके बातचीत करें उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ने वाला है जहां धनलाभ की उम्मीद है वहीं आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं माता पिता भाई बहन हर किसी का सहयोग आपको प्राप्त होगा नौकरी पैसा के लिए प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है धन लाभ के योग हैं और यूं समझ लीजिए कि वाणी से आपके सभी बिगड़े काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं घर का माहौल भी बहुत बढ़िया है प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक ठाक कहा जाएगा हाँ प्रेमी का मूड जरूर थोड़ा खराब हो सकता है किसी मामले में तो तु तुम्हें में की स्थिति आएगी आप संभाल लेंगे और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के मामले में कफ जन रोग दांतों में दर्द से संबंधित परेशानी सिर दर्द की भी संभावना है आज जरूरतमंद की मदद करिए वस्त्र देकर लकी अंक तीन लकी कलर आपके लिए आज पीला निवेश कर सकते हैं मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी है स्वास्थ्य का ख्याल बस रखना होगा गोचर कुंडली में परिवर्तन गुरु का आपके पक्ष में है परंतु वहीं देखा जाए तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना मधुमेह के रोगियों को थोड़ा परेशान करेगा जन रोगों की संभावना उत्पन्न कराएगा कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो जीवन साथी से सलाह लेकर के यह किसी से सलाह लेकर के ही आगे बढ़िए का, कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो दिन ठीक है बल्कि आपका सकारात्मक प्रभाव मिलने वाला है गुरु का परिवर्तन आपके पुरुषार्थ परिश्रम में वृद्धि लाएगा और आपको सफलता दिलाने वाला है धन के मामले में भी दिन ठीक है अगर पैसे की चिंता बनी हुई थी तो ये चिंता दूर होगी और व्यापारियों के लिए भी अच्छा धन लाभ कराने वाला है दिन भाग्य का साथ मिलेगा नए कारोबार की रूपरेखा आज बनने वाली है अष्टम का चंद्रमा थोड़ी मानसिक अशांति देगा तो वही स्वास्थ्य से संबंधित ही परेशानी है तो स्वास्थ्य का ख्याल अगर आप रख लेते हैं खान पान पर अपने नियंत्रण रख लेते हैं तो ज्यादा चिंता स्वास्थ्य के मामले में भी नहीं होगी प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ है जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद हो जाएगा विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे ना हटे जितना हो सके मेहनत करिए पुरुषार्थ करिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी थोड़ी है आज स्वास्थ्य को लेकर कहीं चिंता है आज माँ भगवती जगदम्बा के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए तो इससे कुछ लाभ मिले लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज काला है निवेश कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से ही करिएगा और कुंभ की बात करूँ तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय में होना शुक्र गुरु का राशि से द्वितीय में परिवर्तन होना और चंद्रमा का राशि से सप्तम में आना यहाँ देखा जाए तो गुरु का परिवर्तन आपके लिए महाधन योग का निर्माण कर रहा है और चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में दिन बढ़िया है बस विचार करके योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ चढ़ते चले जाइए धन के दृष्टिकोण से कोई नया कार्य शुरू करना है तो उस दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन नौकरी में जरूर थोड़ा तनाव रहेगा परंतु आप अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें तो सारे काम बनेंगे कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलता दिखाई पड़ रहा है व्यापारियों के लिए व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है बल्कि व्यवसाय में कोई समस्या पूर्व से चली आ रही थी उसका संपूर्ण समाधान आज आपको मिलने वाला है विवाद से आज आपको बचना होगा दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी या किसी गलत फहमी के कारण मतभेद उत्पन्न हो गया था वो दूर होगा प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है संबंध में यदि खटास उत्पन्न हो गया था उसे भी आप दूर कर सकते हैं विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना होगा अपने पढ़ाई लिखाई पर सफलता आपको प्राप्त होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें आज गणेश जी की आरती करिएगा प्रातः काल कपूर से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है निवेश अवश्य करिए और मीन की बात करूं तो आपके लिए भी कहना नहीं दिन बहुत बढ़िया है चंद्रमा राशि से ष्ठ में कोई दिक्कत नहीं गुरु का आपकी राशि पर आगमन हंस महापुरुष का निर्माण आपके लिए बहुत बढ़िया है धनलाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए इस दिन का आपको लाभ मिलेगा कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपको पूरा पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे आपका समर्थन करेंगे आपके दुश्मन भी आज जैसे आपके सम्मुख स्वयं ही नतमस्तक होंगे कोई बड़ा निर्णय आपको बहुत सोच समझ करके लेना होगा किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा किसी का अपमान मत करिएगा व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ करके कर लीजिए उसका आपको लाभ मिलने वाला है किसी से बातचीत कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बातचीत से आपकी बात सामने वाले को चुभे नहीं प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है संबंध में मजबूती आएगी स्थायित्व तो आएगा और विद्यार्थियों की बात करूँ तो आपके लिए थोड़ा सा ऊहा पोह रहने वाला है क्या करें क्या ना करें वाली स्थिति आज रहेगी फिर भी गुरु का जो परिवर्तन आपकी राशि पर हुआ है हंस महापुरुषों का निर्माण आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन अच्छा है इसका लाभ उठाइए स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं परंतु हल्का और सादा भोजन ही करिएगा सात्विक अन्न ग्रहण करिएगा और हो सके तो हनुमान जी का दर्शन कर लीजिएगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज लाल है निवेश करें तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार